हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की तरंग प्रकाशिकी के चैप्टर की। प्यारे बच्चों आज की टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे यंग के प्रयोग का और यंग के प्रयोग के आधार पे दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। साथ साथ में प्यारे बच्चों फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। एक बात मैं बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि सारा डेरिवेशन काफी लंबा होने वाला है, परंतु आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहो तो आप लिख लो प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछने वाला है प्यारे बच्चों। इसलिए इस सेशन को सभी दोस्तों के पास, सभी बोर्ड वाले प्यारे बच्चों के पास आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में मन लगा के पढ़िएगा प्यारे बच्चों, जिससे कि ये आपकी टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। यदि आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा, मैंने लास्ट पढ़ाते वक्त बोला है कि संपोषी विनाशी व्यतिकरण की जो स्थिति है वो सारी स्थितियां यहाँ पर आपको काम में आएंगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए यंग के प्रयोग को। तो यंग ने क्या किया प्यारे बच्चों, यंग ने एक ऐसा प्रकाश या स्रोत हेरा, एक ऐसे प्रकाश स्रोत हेरे जिसकी जिससे निकलने वाली जो तरंगे थी, जिससे निकलने वाली तरंगों की जो आवृत्ति थी वो समान। अब जब लोगों ने बताया कि जब एक स्रोत से एक ही आवृत्ति की दो तरंगे निकल रही हो तो अध्यारोपण के कारण वहां व्यतिकरण की घटना घटित होता है, तो भैया तब सब लोगों ने पूछा कि ऐसा कोई प्रकाश स्रोत कौन सा है जिससे निकलने वाली तरंगों का जो आवृत्ति है वो समान हो। तो उसके लिए यंग ने एक प्रयोग किया, यंग ने एक जुगाड़ लगाया प्यारे बच्चों। उन्होंने बताया कि अगर हम कोई भी प्रकाश स्रोत ले ले, देखिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप समझ लीजिए बस, उसके बाद अभी मैं फिर से बताऊंगा। ये कोई प्रकाश स्रोत ले लिए यंग ने, और यंग ने कोई प्रकाश स्रोत लिया और इसके सामने एक ऐसा पर्दा रख दिया कि जिसमें दो छिद्र हो और इसे हम कहते हैं स्लिट। जो ये छिद्र है ना, इसे हम कहते हैं स्लिट। एक S1 नाम दे दिए और एक नाम दे दिए S2। तो प्यारे बच्चों जब अब इनसे जो निकलने वाली तरंगे हैं वो चारों, जो ये यस है, जो ये प्रकाश स्रोत है, इनसे जो निकलने वाली तरंगे हैं, ये गोली है तो इनसे निकलने वाली जो तरंगे होंगे वो गोली तरंगाग्र होगा। जब S1 और S2 के पास पहुंचेगी तो S1 और S2 पे ये तरंगे एक नए स्रोत के भांति क्या करती हैं, व्यवहार करने लगती हैं, जिसके कारण प्यारे बच्चों यहां से भी गोली तरंगाग्र के रूप में निकलने लगते हैं। अब जैसे ही देखिए, अगर प्यारे बच्चों एक मिनट में आपको ये ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन ये भी कर दूं तब आगे बढ़ूं। जो डॉट डॉट लाइनें हैं प्यारे बच्चों वो गर्त को व्यक्त कर रही हैं, और जो कंटिन्यूअस लाइन है वो श्रृंग को व्यक्त कर रही है। किसको व्यक्त कर रही है प्यारे बच्चों, श्रृंग को। तो ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, ध्यान से देखो। हमने क्या कहा कि यंग ने बोले कि हम एक ऐसा कोई प्रकाश स्रोत लेते हैं जिनसे निकलने वाली जो तरंगे हैं उनको एक ऐसे पर्दे से गुजारते हैं जिस पर्दे में दो छिद्र हो। अब जब इनसे जो निकलने वाली तरंगे होंगी, S1 और S2 से निकलने वाली जो तरंगे होंगी उनकी आवृत्ति सेम टू सेम होने वाली। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्रोत एक स्रोत से निर्माण हुआ है। इन दोनों स्रोतों का जो निर्माण हुआ है वो किसी एक स्रोत से हुआ है, इसी कारण इन दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की आवृत्ति जो होगी वो सेम टू सेम होगा। तो जिस प्रकार इससे तरंगे निकली है उसी प्रकार प्यारे बच्चों इससे भी क्या निकलेंगी, तरंग निकलेंगी। उसी प्रकार इससे भी क्या निकलेंगी, तरंग निकलेंगी। अब ये श्रृंग हो गया तो गर्त भी ऐसे कुछ करके निकलेंगी, ऐसे करके। यहां पर उन्होंने कुछ दूर पे एक पर्दा और लगा दी, अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, पर्दे के बीच की दूरी उन्होंने बता दिया कैपिटल डी मान लेते हैं। पर्दे के बीच की दूरी क्या मान ली, कैपिटल डी। तो देखिए जहां पर श्रृंग को काट रहा है, देख लीजिए, श्रृंग को काटे, गर्त को काटे, ये देखिए ये डॉट डॉट लाइन है ना, श्रृंग को काटे, गर्त को काटे, तो वहां पर जो है प्यारे बच्चों दीप्त पट्टी बनता है, वहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है। क्यों?
क्योंकि प्यारे बच्चों वहां पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, वहां पर समान कला की दो तरंगे एक दूसरे से मिलती हैं, जिससे उनकी तीव्रता क्या हो जाती, बढ़ जाती है प्यारे बच्चों। अब देखिए जब वहां दीप्त प्राप्त हो गया तो अगला आप ध्यान से देखिए, तो जहां श्रृंग गर्त को काटे होंगे, ये देखिए ये श्रृंग, ये डॉट डॉट लाइन है और विदाउट डॉट लाइन मतलब कंटीन्यूअस नॉन कंटीन्यूअस प्यारे बच्चों, ये देखिए ये एक दूसरे को काटे हैं, ये यहां काटे हैं, तो ये जो पट्टी होगी ये कौन सी पट्टी होगी प्यारे बच्चों, अदीप्त होगी। कौन सी पट्टी होगी, अदीप्त। यहां पर प्रकाश, यहां पर अंधेरा होगा प्यारे बच्चों, यहां पर विनाशी व्यतिकरण होगा और यहां पर क्या होगा, समकोशी व्यतिकरण होगा। इस बात को ध्यान देना आप। फिर आगे, अब आगे हम आते हैं, आगे देखिए प्यारे बच्चों, तो यहां पर अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये जो लाइनें हैं कहां गई प्यारे बच्चों, देखिए ये श्रृंग श्रृंग को काट रही है, ठीक यहां पर देखिए, फिर उसके बाद श्रृंग श्रृंग को काट रही है, यहां पर काट रही है, ठीक। उसके बाद अगर आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो यहां देखिए गर्त गर्त को काट रहा, तो अगर हम इन तीनों, यहां देखिए ये गर्त गर्त को काट रहा, अगर हम इनको मिला देते हैं तो यहां पर भी क्या मिल जाएगा, दीप्त मिल जाएगा। मध्य बिंदु पर क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, दीप्त पट्टी मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए ये श्रृंग गर्त को काट रही है, फिर से यहां श्रृंग गर्त को काटी है, फिर इन दोनों बिंदुओं को मिला दे तो यहां पर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, अदीप्त बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है यंग के प्रयोग के अनुसार, यंग के प्रयोग के अनुसार, एक मिनट आप यहां पे देख लीजिए, यहां पर भी काट रही है, फिर उसके बाद यहां पर काट रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अदीप्त हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, यंग ने अपने प्रयोगों के दौरान क्या बताया कि हम मान लेते हैं यश एक कोई प्रकाश स्रोत है, तो गाइज आपके एग्जाम में जब यंग का प्रयोग पूछेगा, यंग के प्रयोग के आधार पर या यंग के द्विजरी के आधार, यंग के द्विजरी प्रयोग के आधार पे फ्रिंजों की स्थिति ज्ञात कीजिए या दीप्त दीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले एक ऐसी रेखा छिद्र लेना है जिसमें केवल एक छिद्र हो, जिसे हम एस से व्यक्त कर रहे हैं प्यारे बच्चों। यहां हम कह सकते हैं कि यस एक रेखा छिद्र वाला पर्दा है, और जो दूसरा पर्दा है जिसमें दो छिद्र यस वन और यस टू है, और जो एक तीसरा पर्दा है प्यारे बच्चों उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छिद्र नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, यस से जब एकवर्णीय प्रकाश स्रोत मतलब एक आवृत्ति का कोई प्रकाश, जब एक आवृत्ति का कोई प्रकाश एस से प्रवेश करता है, तो यस से निकलने के बाद प्यारे बच्चों, यस से निकलने वाली सभी प्रकाश किरणें, सभी प्रकाश तरंगे जब यस वन और यस टू पर पहुंचती हैं, यस से निकलने वाली सभी प्रकाश तरंगे जब यस वन और यस टू पर पहुंचती है, तो हाइगेंस के नियम के अनुसार यस वन और यस टू पे पहुंचने वाली सभी तरंगे एक नए तरंग स्रोत के भांति व्यवहार करती है, और यस वन और यस टू से निकलने वाली जो तरंगे हैं वो तीसरे पर्दे पर व्यतिकरण का फ्रिंज प्राप्त करती हैं या व्यतिकरण फ्रिंज बनाती हैं। तो आगे हम लोगों ने मान लिया प्यारे बच्चों कि माना मध्य बिंदु ओ से, पर्दे के मध्य बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, पर्दे के मध्य बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है, और उस बिंदु पी पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करनी है कि प्यारे बच्चों ओ से एक्स मीटर की दूरी पर जो बिंदु पी है वहां पर फ्रिंज दीप्त बनेगा कि अदीप्त बनेगा, वही हमको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। उसके लिए हम लोगों ने क्या कहा कि मान लेते हैं यशवन से एक तरंग यहां पर पहुंची, तो यशवन से निकलने वाली तरंगों का जो पथांतर होगा वो एस वन पी होगा, और यस टू से पी तक पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर होगा एस टू पी होगा प्यारे बच्चों। तो अब हमको जब पी पर ज्ञात करना है कि पी पर पहुंचने वाली जो, पी पर बनने वाली जो फ्रिंज है वो दीप्त होगा कि अदीप्त होगा प्यारे बच्चों, उसके लिए हम लोग पथांतर के रास्ता को अपनाने वाले हैं प्यारे बच्चों। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि पथांतर के ऊपर या पथांतर के आधार पे हम बता सकते हैं कि यहां पर दीप्त बनेगा कि अदीप्त बनेगा प्यारे बच्चों। तो आइए हम समझते हैं, पथांतर ज्ञात करने के लिए यशवन से एक हम लंब खींचते हैं, यशवन से एक लंब खींचते हैं और जिसका हम नाम दे देते हैं प्यारे बच्चों, यहां से यशवन से हम लोगों ने क्या खींचा, एक लंब खींचा और इसका नाम दे देते हैं
कैपिटल ए, क्या नाम दे देते हैं प्यारे बच्चों, कैपिटल ए नाम दे देते हैं। यशवंत से जब हमने एक लंब खींचा जो कि ए पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आप देखिए अब यशवंत से पी पर पहुंचने वाली तरंग और यश टू से पी पर पहुंचने वाली तरंगों का जो पथांतर आया है वो एस टू ए के बराबर आया, क्योंकि यहां से और यहां से, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी सेम टू सेम है, परंतु यही इतना अंतर आ रहा था प्यारे बच्चों। इसलिए हम लोगों ने कहा कि यशवंत से पी पर पहुंचने वाली और यश टू से पी पर पहुंचने वाली जो तरंगों का पथांतर होगा वो एस टू ए के क्या होगा, बराबर होगा। अब यही एस टू ए यहां पर ज्ञात करना पड़ेगा और एस टू ए ज्ञात करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि P पर पहुंचने वाली जो तरंग है या P पर बढ़ने वाली जो फ्रिंज है वो दीप्त है या अदीप्त है। प्यारे बच्चों तो चलिए जो चीजें हम लोगों ने समझा है फिर से एक बार समझ लेते हैं जिससे कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए क्या करना है, माना यस एक रेखा छिद्र है, माना यस एक रेखा छिद्र है जिनसे निकलने वाली जो प्रकाश तरंगे हैं वो यस वन और यस टू रेखा छिद्र से होकर गुजरती है, यस वन और यस टू रेखा छिद्र से होकर गुजरती है और यस वन यस टू से होने यस वन यस टू से गुजरते हुए ये जो तरंगे हैं वो तीसरे पर्दे पर प्राप्त होती है जिसके कारण वहां तीसरे पर्दे पर व्यतिकरण की फ्रिंजे प्राप्त हो जाती है। प्यारे बच्चों अब हम मानते हैं कि तीसरे पर्दे के मध्य बिंदु O से x दूरी पर कोई भी एक बिंदु क्या होगा, P होगा। उस बिंदु P पर बताइए कौन सा फ्रिंज बनेगा। तो मान लेते हैं कि S1 से जाने वाली जो तरंग का पथांतर है वो S1P है और S2 से जाने वाली जो तरंगों का पथांतर है वो S2P है। अब दोनों तरंगे P पर पहुंचने के लिए कुछ न कुछ पथ अपनाई, उनके पथों का जो अंतर आएगा वही बताएगा प्यारे बच्चों कि P पर दीप्त है या। इतनी सारी चीजें जो आपको मैंने बताया है प्यारे बच्चों वो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, आप वहां से लिख कर देख सकते हैं तो आपका जो चीजें है और ज्यादा क्लियर हो जाए। आप वहां देख लीजिए प्यारे बच्चों, आपको वहां पर दिखाई पड़ा होगा। अब हम चल रहे हैं डेरिवेशन की। यस वन व एस टू से निकलने वाली तरंगों का पथांतर अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, तरंगों का जो पथांतर है वो किसके बराबर है, एस यस वन पी माइनस एस टू पी या एस टू पी माइनस एस वन पी, चाहे जो भी आप कह सकते हैं। तो एस टू पी माइनस एस वन पी बराबर किसके होगा प्यारे बच्चों, एस टू ए के बराबर होगा। कैसे आपने जाना कि एस टू ए के बराबर होगा, ध्यान से देखिए। यानी जैसे यस वन के द्वारा यस वन से जो निकलने वाली तरंगे हैं वो पी तक जाने के लिए इतनी दूरी तय कर रही हैं और एस टू से निकलने वाली तरंगे जो है पी तक जाने के लिए इतनी दूरी यहां से यहां तक तय कर रही हैं, तो दोनों द्वारा अपनाए गए पथ का अंतर तो इतना ही है ना प्यारे बच्चों। तो इसी को हम लिखेंगे ना, तो एस टू पी में से जब एस वन पी घटा देंगे तो ही बचेगा एस टू ए। ठीक, आप समझे प्यारे बच्चों। तो तरंगों का जो पथांतर है वो एस टू पी माइनस एस वन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस टू ए। अब यही एस टू ए ही ज्ञात करना है, तो आइए हम एस टू ए ज्ञात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले अगर हम देख पा रहे होंगे तो त्रिभुज एस वन एस टू ए, यहां एंगल थीटा है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो एस वन एस टू ए, चूंकि त्रिभुज S1 और S2A तथा अगला त्रिभुज है PCO तथा त्रिभुज PCO एक दूसरे के समरूप है। अब प्यारे बच्चों जब ये एक दूसरे के क्या है, समरूप है, तो समरूपता का नियम क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। समरूपता का नियम कहता है कि इन त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब हम कौन सी संगत भुजाएं लेंगे वो आपको ध्यान देखना है। तो हम इधर से इस वाले त्रिभुज में ले रहे हैं S2A बटे S1 S2 क्या हो जाए S1 S2, बराबर क्या होगा। देखिए मैंने ये भुजा और ये, यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब लिए हैं और अगला कर्ण लिए हैं, लंब और कर्ण इधर लिए हैं तो लंब और कर्ण हम उधर भी लेंगे प्यारे बच्चों। तो उधर लंब कौन हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो उधर लंब हो जाएगा
PO, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों PO, और कर्ण क्या हो जाएगा CP, तो क्या हो जाएगा PO बटे क्या आ जाएगा CP। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई? S1 S2A और PCO एक दूसरे के समरूप हैं, इसलिए S2A अपान S1 S2, S2A अपान S1 S2 इक्वल टू PO, PO अपान क्या हो जाएगा CP। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, चाहे आप जो देख लीजिए, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी d है वही यहां से लेके यहां तक की भी दूरी होगी। हम यहां पर लिखेंगे तो या हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, या हम लिख दें, क्या लिख दें, या लिखें तो S2A बटे क्या हो जाएगा S1 S2 बराबर PO के स्थान पे कुछ नहीं, जो CP है C से लेके P की दूरी, भाई पर्दे के बीच की दूरी D है, यहां भी D होगा, यहां भी D होगा, तो CP जो होगा ना वो लगभग किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, CO के बराबर हो जाएगा। चलिए वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए S2A, तो ये स्टेप अब हम लोग यहां पर कर रहे हैं, अगला स्टेप तो S2A तो निकालना ही है। अब ध्यान से S1 S2, तो S1 और S2 के बीच की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, स्मॉल d है, और PO P से लेके O के बीच की दूरी कितनी है x है, और CO C से लेके O के बीच की दूरी कितनी है कैपिटल d, d का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा S2A बराबर एक्स डी अपान कैपिटल डी। तो पथांतर का जो व्यंजक आया वो ये आ गया। किसका व्यंजक आया प्यारे बच्चों, पथांतर का, जो S2A आया वो एक्स डी अपान कैपिटल डी के बराबर आया, जहां डी क्या है दो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी है, और एक्स क्या है मध्य बिंदु O से P की दूरी है, और कैपिटल डी क्या है पर्दों के बीच की दूरी है, तो ये पथांतर निकल के आया। अब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये समीकरण नंबर हम क्या नाम दे दे, एक नाम दे दे। अब हम मानते हैं कि यदि बिंदु P पर क्या हो, दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो, यदि बिंदु P पर क्या प्राप्त हो, दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो, तब पथांतर क्या होगा, और जब बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा तब पथांतर क्या होगा। तो आइए अब हम आगे करते हैं डेरिवेशन दीप्त फ्रिंज के लिए, किसके लिए प्यारे बच्चों, अब यहां से टॉपिक बन गया कि दीप्त फ्रिंज की बात होगी, दीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक। तो यहां कंडीशन क्या होगा, यदि बिंदु P पर, क्या प्यारे बच्चों, यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बने, क्या बने, दीप्त फ्रिंज बने तो वहां पर संपोषी व्यतिकरण होगा, वहां पर संपोषी व्यतिकरण होगा, क्योंकि मैंने भैया पहले ही बताया है प्यारे बच्चों कि जहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है वहां पर दीप्त फ्रिंजे प्राप्त होती हैं, तो वहां संपोषी व्यतिकरण होगा। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर व्यतिकरण के लिए पथांतर हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है व्यतिकरण के लिए पथांतर का जो व्यंजक होगा, ध्यान दीजिए, तो व्यतिकरण के लिए जो पथांतर हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा एक्स बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था यम लैम्डा, क्या पढ़े थे यम लैम्डा। संपोषी व्यतिकरण या दीप्त फ्रिंजों के लिए हम लोगों ने पथांतर पढ़ा था प्यारे बच्चों एक्स बराबर यम लैम्डा, क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों डेल्टा एक्स बराबर यम लैम्डा। अब देखिए इसे अगर हम समीकरण नंबर क्या दे दे, दो नाम दे दे, तो ध्यान से देखना आपने पथांतर ये निकाला और आप पढ़ा कौन सा है डेल्टा एक्स बराबर यम लैम्डा, मतलब मिला जुला के पथांतर ये भी है पथांतर ये भी है, तो समीकरण एक और दो से हम कह सकते हैं कि ये वाला पक्ष और वो वाला पक्ष दोनों आपस में क्या होने वाले हैं बराबर होने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण एक ये भी आपका पथांतर है प्यारे बच्चों और ये भी पथांतर है, तो दोनों की क्या कर देंगे तुलना कर देंगे, तो समीकरण एक व दो से क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना, यहां पर मिलेगा एक्स डी बटे कैपिटल डी बराबर क्या आ जाएगा यम लैम्डा आ जाएगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें प्यारे बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स डी बराबर यम लैम्डा डी, यम लैम्डा डी। अब ध्यान से देखिए, हमको क्या ज्ञात करना था, ओ से लेके पी के बीच की दूरी ज्ञात करना था, तो दूरी यक्स है तो डी इधर चला जाएगा, डी गुणा में किधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में, तो यम लैम्डा डी बटे क्या हो जाएगा स्मॉल डी। तो एक्स की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो ये आ जाएगी, दीप्त फ्रिंजों की जो स्थिति है, दीप्त फ्रिंजों के लिए जो स्थिति है उसका व्यंजक आएगा एम लैम्डा डी अपॉन डी, जहां एम का मान क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, जीरो भी, एक भी, दो भी, तीन भी, डॉट डॉट करके ऐसे। तो जब यम बराबर जीरो रख देंगे तो आपकी केंद्र वाली फ्रिंज प्राप्त होगी, केंद्र की दीप्त फ्रिंज। यम बराबर एक रखेंगे तो पहली दीप्त फ्रिंज होगा, यम बराबर दो रखेंगे तो दूसरी दीप्त फ्रिंज होगा, मतलब ये जीरो रखेंगे तो यहाँ दीप्त फ्रिंज, एक रखेंगे तो पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे रखते चले जाएंगे तो आपको दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती चली जाएंगी। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों अदीप्त फ्रिंजों के लिए, किसके लिए बात करेंगे हम, अदीप्त फ्रिंजों के लिए। उम्मीद है कभी तक आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा अदीप्त फ्रिंजों के लिए। अब अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या होता है, हमने पढ़ा है कि यदि बिंदु पी पर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो, यदि बिंदु पी पर अदीप्त फ्रिंज बने, क्या बने प्यारे बच्चों, यदि बिंदु पी पर अदीप्त फ्रिंज बने, क्या बने, अदीप्त फ्रिंज बने तो वहां पर कौन सा व्यतिकरण होता है, तो वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है, तो वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है, कौन सा व्यतिकरण होता है प्यारे बच्चों, विनाशी व्यतिकरण होता है। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर हमने बताया है, चूंकि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर, तो हमने कल की वीडियो में बताया था प्यारे बच्चों विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है, पथांतर डेल्टा एक्स बराबर आपने पढ़ा 2m-1 लैम्डा बटे, कितना पढ़े थे, दो पढ़े थे, यही पढ़े होंगे 2m-1 लैम्डा बटे क्या, कितना पढ़े थे, दो। तो ये मैंने बताया था प्यारे बच्चों, तो इसको अगर मैं नाम दे दूं समीकरण नंबर 3, क्या नाम दे दें, समीकरण नंबर 3। तो अब देखिए ये विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर है और ये आपने पथांतर निकाला है, तो ये भी पथांतर, तो दोनों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और 3 से जो होगा ये वाला पक्ष उस वाले पक्ष के बराबर हो जाएगा, तो एक्स डी बटे कितना हो जाएगा कैपिटल डी, उधर है 2m-1 फिर लैम्डा बटे कितना है, 2 है। अब इधर देखिए हमको एक्स ज्ञात करना, तो डी का गुणा कर देंगे इधर, तो आ जाएगा एक्स डी बराबर क्या आ जाएगा पहले बच्चों 2m-1, डी का गुणा इधर कर देंगे तो लैम्डा डी बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये डी गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा पहले बच्चों 2m-1 लैम्डा डी बटे कितना आ जाएगा 2d। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये अदीप्त फ्रिंज की स्थिति प्राप्त होती है, और वो किसकी प्राप्त होती है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति प्राप्त होती है। आपके प्रश्न में 2 रंग का प्रश्न पूछता है, जैसे पूछ लिया कि यंग के प्रयोग के आधार पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो आप यहां पर छोड़ देंगे। अगर वो उसी प्रश्न में पूछ रहा साथ साथ में फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो आपको फ्रिंज की चौड़ाई भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बातें करेंगे फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई। उम्मीद है आपको ये सारी चीज बिल्कुल आसान भाषा में समझ में भी आया होगा, और डेरिवेशन भी काफी आसान तरीके से मैंने आपको बताया है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हमारी नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, यंग के प्रयोग में ही है। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर जब चित्र बनाया था तो दीप्त अदीप्त पट्टी प्राप्त हो रही थी, तो वहां पर किसी भी, चाहे दीप्त की बात कर लिया जाए चाहे अदीप्त की बात कर लिया जाए, किसी भी पट्टी की जो चौड़ाई होगी उसके लिए व्यंजक क्या होगा प्यारे बच्चों। तो अगर हमारे प्रश्न में पूछता है कि फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि फ्रिंजों की चौड़ाई किसे कहते हैं। तो क्रमागत चाहे दीप्त की बात कर ले चाहे अदीप्त की बात कर ले, क्रमागत किन्हीं 2 दीप्त पट्टियों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फ्रिंज की
चौड़ाई कहलाती है, या क्रमागत दो अदित फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होगी वो फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि जो उस पर्दे पर अगर कोई प्राप्त हुआ तो ये मान लेते हैं प्यारे बच्चों दीप्त होगा, फिर उसके बाद जो अगला पट्टी प्राप्त होगा वो पट्टी क्या हो जाएगी, अदीप्त पट्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, अदीप्त पट्टी हो जाएगी। फिर अगला जो प्राप्त होगा वो दीप्त हो जाएगा। तो मैंने कहा फ्रिंज की चौड़ाई, तो किन क्रमागत दो दीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी, दो दीप्त फ्रिंजों की दूरी, तो प्यारे बच्चों दो दीप्त फ्रिंजों की दूरी यही तो आ रही है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक की जो होगी वो फ्रिंज की क्या कहलाएगी, चौड़ाई। किस फ्रिंज की, इस अदीप्त फ्रिंज की क्या कहलाएगी, चौड़ाई कहलाएगी। बस यही चीज कह रहा है प्यारे बच्चों कि क्रमागत किन्हीं दो फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है वो फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। तो चाहो तो आप परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अब हम चलेंगे इसकी व्यंजक प्राप्त करने के। तो मानते हैं प्यारे बच्चों कि यदि यदि यम तथा यम प्लस वनवी, यम प्लस वनवी क्रमशः दो दीप्त फ्रिंजे हैं, क्रमशः दो दीप्त फ्रिंजे हैं, जैसे हम लोग पहली दूसरी मानते थे वैसे ही हमने यम और यम प्लस वनवी मान लिया। तो अब हम बात करेंगे यमवी दीप्त फ्रिंज के लिए x का मान, ना? तो यमवी दीप्त फ्रिंज के लिए x का मान ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, तो क्या हो जाएगा, यमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, यमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, यमवी दीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी, तो समझ लीजिएगा तो दूरी को हम x जो है वो x था, तो यम की बात होगी तो x यम हो जाएगा बराबर। जहां देखिए प्यारे बच्चों, जहां यम है वहां पर यम ही रखेंगे, तो आपको यम की बात कर रहा तो यम ही रखेंगे, यम लैम्डा डी बटे डी। चलिए ये यमवी की तो यही आया, परंतु जब हम बात करेंगे यम प्लस वनवी, किसकी बात करेंगे, यम प्लस वनवी दीप्त फ्रिंज की, यम प्लस वनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो इसको हम व्यक्त करेंगे एक्स यम प्लस वन से, ना? क्यों, क्योंकि जहां यम है वहां यम प्लस वनवी की बात हो रहा है। अब ध्यान से देखना, जहां यम है वहीं पर आपको यम प्लस वन वहां रखना है, बाकी आपको सेम प्रोसेस वही करना है, बटे डी हो गए। तो फ्रिंजों की आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों, फ्रिंजों की आपको क्या ज्ञात करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, तो इनमें से इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे, इनमें से इनको घटा दें या इनमें से इनको घटा देते हैं प्यारे बच्चों, तो ये आपकी ज्यादा है तो इनमें से ये इनमें से ये घटाते हैं। तो अतः फ्रिंजों की चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई, तो फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी प्यारे बच्चों, फ्रिंजों की चौड़ाई को हम लोग डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। जो डब्ल्यू होगा वो एक्स यम प्लस वनवी दीप्त फ्रिंज माइनस क्या हो जाएगा, एक्स यमवी हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, एक्स यम प्लस वन का मान कितना है, यम प्लस वन लैम्डा डी बटे कितना है, डी है माइनस, एक्स यम का मान कितना है, यम लैम्डा डी बटे कितना है, डी है। लैम्डा डी का गुणा अंदर करें तो यम लैम्डा डी बटे क्या आ जाता है, डी, प्लस एक का गुणा कर दे प्यारे बच्चों तो लैम्डा डी बटे डी आ जाएगा, माइनस यम लैम्डा डी बटे क्या आ जाएगा, डी। ये एक पद कैंसिल हो जाता है, तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाता है, लैम्डा डी बटे डी, डब्ल्यू बराबर क्या आ जाता है, लैम्डा डी बटे डी। ये रहा दीप्त फ्रिंजों की बीच की चौड़ाई। इसी प्रकार हम कैसा क्या ज्ञात करेंगे, अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई। ये रहा दीप्त फ्रिंजों के लिए, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अदीप्त, जिस प्रकार हम लोगों ने प्यारे बच्चों दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात किया है, उसी प्रकार अब हम लोग अदीप्त फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई ज्ञात करेंगे, अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई। तो मानते हैं प्यारे बच्चों, मानते हैं कि इस बार मान लेते हैं यदि यदि यम तथा यम प्लस वनवी, यम प्लस वनवी क्रमशः दो अदीप्त फ्रिंजे हैं, क्रमशः दो अदीप्त फ्रिंजे हैं, क्या है प्यारे बच्चों, दो
अदीप्त फ्रिंजे हैं। अब जब ये दो अदीप्त फ्रिंजे हैं, तो पहले हम पता करें कि जो यम प्लस वनवी है या जो यम है उनकी केंद्र से कितनी दूरी है। प्यारे बच्चों, केंद्र से कितनी दूरी, तब हम बता पाएंगे कि चौड़ाई कितना होगा। तो लिखेंगे यमवी यमवी अदीप्त फ्रिंज की, यमवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी। क्या प्यारे बच्चों, केंद्र से दूरी। तो इसके लिए व्यंजक क्या हम लगाएंगे दूरी के लिए, xm इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर है 2m, तो m के स्थान पे m रखना है, तो कोई भी बदलाव नहीं करना पड़ेगा आपको, तो 2m माइनस 1 लैम्डा d बटे 2d ना, ये आ गए। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, जैसे mv का निकाले वैसे m प्लस 1v निकालेंगे। m प्लस 1v अदीप्त, अब अदीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी, अदीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी। तो इसके लिए व्यंजक क्या होगा, जहां यम है वहीं यम प्लस वन हो जाएगा, जहां जहां यम आया होगा प्यारे बच्चों वहां हम यम प्लस वन रखेंगे टू, फिर यहां रख देंगे यम प्लस वन, आगे कितना है माइनस है, फिर इधर लैम्डा डी बटे कितना आ जाएगा टू। ठीक, अब देखिए प्यारे बच्चों, दो का गुणा कर देते हैं, तो दो का गुणा करेंगे तो टू यम, फिर दो का गुणा करेंगे यहाँ दो, और आगे कितना है माइनस एक है, बराबर लैम्डा डी बटे टू डी। अब इधर देखिए, दो में से एक घट जाएगा तो एक आ जाएगा, तो टू एम प्लस वन लैम्डा डी बटे टू डी, ये आया एक्स यम प्लस वन वी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। अब हम अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, तो अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई क्या है, डब्लू बराबर एक्स यम प्लस वन माइनस एक्स एम, तो एक्स एम प्लस वन का मान कितना है प्यारे बच्चों, यहां देखिए 2m प्लस वन लैम्डा डी बटे टू डी, और वहां पर कितना है प्यारे बच्चों माइनस हो जाएगा 2m माइनस वन लैम्डा डी बटे टू डी। ठीक, तो आप गुणा कर दीजिए, लैम्डा डी का गुणा यहां करेंगे तो 2m लैम्डा डी बटे टू डी, यहां का गुणा करेंगे तो लैम्डा डी बटे टू डी, माइनस इनका गुणा करेंगे तो 2m लैम्डा डी बटे 2d, माइनस माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस साथ में आ जाएगा लैम्डा डी बटे कितना आ जाएगा 2d। अब देखिए प्लस वाले माइनस वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, लैम्डा डी और लैम्डा डी जुड़ के क्या हो जाएगा 2 लैम्डा डी बटे 2d, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो अदीप्त फ्रिंज की भी जो चौड़ाई आएगी वो लैम्डा डी बटे कितना आएगा d। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है प्यारे बच्चों कि अदीप्त और दीप्त फ्रिंजों की जो बीच की चौड़ाई आई है वो दोनों बराबर आए हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो तीसरे पर्दे पर व्यतिकरण की फ्रिंज प्राप्त होती है वो एक समान दूरी पर प्राप्त होता है, मतलब दीप्त के बाद अदीप्त, अदीप्त के बाद दीप्त, एक क्रमागत प्राप्त होता है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपका यंग के प्रयोग के आधार पर फ्रिंजों की चौड़ाई और फ्रिंजों की स्थिति दोनों समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। यस, कोई प्रकाश स्रोत है जिनसे कुछ दूरी पर एक ऐसा स्लिट रखा गया, एक ऐसा पर्दा रखा गया जिसमें दो छिद्र एस वन और क्या करके हैं एस टू है, यस वन और यस टू है, इनसे जो निकलने वाली गोली तरंगे हैं वो जब यस वन और यस टू पे पहुंचती हैं तो हाइगेंस के सिद्धांतों के अनुसार यस वन और यस टू से जब ये तरंगे पहुंचती तो वो वहां पर नए तरंग स्रोत की बात क्या करने लगती है, व्यवहार करने लगते हैं प्यारे बच्चों। तो ये यस वन और यस टू इसी के कारण उत्पन्न हुआ है, तो यस वन और यस टू से अब निकलने वाली जो तरंगे होंगी उनकी आवृत्ति क्या होगी, समान होगी। तो जब तरंगों की आवृत्ति समान हो जाएगी प्यारे बच्चों तो इनके अध्यारोपण के कारण एक लास्ट जो पर्दा हम रखते हैं इनसे कुछ दूरी पर एक पर्दा रखा रहता, पर्दे पर व्यतिकरण की फ्रिंजे क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। वो क्रमशः किस प्रकार प्राप्त होती है, मध्य में दीप्त होता है, फिर अदीप्त दीप्त अदीप्त अदीप्त दीप्त दीप्त अदीप्त करके एक पट्टी प्राप्त हो जाती है प्यारे बच्चों। इसे ही हम क्या, इसे ही यंग का प्रयोग कहते हैं। तो कैसे हमको लिखना है, यंग ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया
कि माना कि यश कोई एक प्रकाश स्रोत है, यदि कोई एक प्रकाश स्रोत लेते हैं उनसे कुछ दूरी पर एक ऐसा पर्दा रखते हैं जिसमें दो छिद्र S1 और S2 होता है, तो यश से निकलने वाली जो तरंगे हैं जब S1 और S2 पर पड़ता है तो S1 और S2 एक नए स्रोत के भांति व्यवहार करने लगती है प्यारे बच्चों, और नए स्रोत की भांति जब व्यवहार करती है और चूंकि S1 और S2 यश से ही निर्माण हो रहा है, S1 और S2 का निर्माण यश से ही हो रहा है, इसलिए S1 और S2 से निकलने वाली जो भी तरंगे होंगी उनकी आवृत्ति सेम टू सेम होगी प्यारे बच्चों, और इस पर्दे से डी दूरी पर एक तीसरा पर्दा रखा रहता है। जब समान आवृत्ति की ये दोनों तरंगे एक ही माध्यम में चलना स्टार्ट करती हैं, इनके अध्यारोपण के कारण तीसरे पर्दे पर व्यतिकरण का फ्रिंज प्राप्त हो जाता, यही है प्यारे बच्चों यंग का प्रयोग। अब हम आगे ज्ञात आगे समझेंगे, आगे क्या हमको समझना है प्यारे बच्चों, हम ये सब कहा इन सब को मूव करके केवल 1 2 3 इन तीन को लेके चलने वाले हैं साथ में। अब मान लेते हैं कि जैसे इसका मध्य बिंदु ये हो गया तो इससे ये बिंदु P हो जाए या ये बिंदु P हो जाए या ये बिंदु P हो जाए, तो बताओ इस P बिंदु पे दीप्त होगा कि अदीप्त होगा, इस P बिंदु पे दीप्त अदीप्त होगा, P बिंदु पे दीप्त अदीप्त, मतलब अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं प्यारे बच्चों, दीप्त अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति याद करने चल रहे हैं कि जो तीसरा पर्दा है उस पर्दे पर इतनी दूरी पर दीप्त होगा कि अदीप्त होगा, उसके लिए हम लोग स्थिति याद करेंगे प्यारे बच्चों। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है प्यारे बच्चों, तो भूलना मत इसको आप।